तो भाई ये बन रहा हलवा, सूजी को है ना भी, सूजी का हलवा और उसके साथ में मिर्ची की कढ़ी, इन दोनों का मिक्सअप बहुत खतरनाक बनता है भाई हमारे यहाँ। घी में बनाया करी? अच्छा घी डालते क्या? मैं तो पानी बना है, घी बना है एकदम। सीरा सीरा बोला क्या से? सीरा नहीं हलवा ही बोला ज़्यादातर, तो खैर गाढ़ा हो जाएगा ना, हलवा हो जाएगा मतलब। अच्छा अच्छा सीरा हलवा दोनों ही बोले आए हैं। हमारी मिर्ची कड़ी, कड़ी को बहुत सी जगह खाटा बोला, नरमा की साइड खाटा बोला, दौसा में। चलो खाटा है श्याम भाई की रुकमणी। ये दोनों इंतजार में बैठी है भाई कब इनको मिले। बन रहा बेटा भी बन रहा, रुक जाओ ना, कटोरी ले लेके बैठ गए। पहले हम भी ऐसे बैठते थे छोटे छोटे थे, कटोरी के इंतजार में कटोरी ले लेके कब बने और कब खाएं जल्दी जल्दी। राम राम जी, जय जोहार। तो ऐसा था कि आज मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाया, इसका रीज़न ये था कि बहुत सारे लोग जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि हमारे घर में सुबह का कैसा माहौल होता है, तो बहुत सारे कमेंट्स से बोले थे कि आप सुबह के माहौल में और शाम के माहौल में क्या अंतर है, माहौल तो दोनों का सेम ऐसा होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में डिफरेंट है। तो आज मैंने सोचा कि शाम की वीडियो बनाई जाए, इसलिए आप दिखाएंगे माहौल शाम का। और एक और बात थी कि यार बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि चलो शुरुआत तुम्हारी है कि राम राम जी जय जोहार, तो राम राम जी तो चलो ठीक है सब जानते हैं, कॉमन वर्ड है भगवान श्री राम को याद करने के लिए, लेकिन जय जोहार क्या है, या क्या तुम्हारे किसी देवता का नाम है या क्या है चीज़? तो भाई इसका जवाब मैं देता हूँ, जय जोहार शब्द का मतलब मैं बताता हूँ। ऐसा था कि पिछले महीने हम डूंगरपुर बांसवाड़ा गए थे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मूवी की शूटिंग देखने के लिए आए, तो जो भी हमारे पास आया एक्चुअली जिस घर में हमने खाना वाना खाया तो वहाँ भी हमको सब एक शब्द कह के सम्मानित कर रहे थे, जय जोहार जी। तो एक तरह का अभिवादन शब्द है जिसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार ये है क्या। तो काफ़ी दिन वहाँ 3-4 दिन रुके तो सबके मुँह से जय जोहार ही निकल रहा था। तो फाइनली मैंने उनसे पूछा कि भाई जय जोहार क्या है, तो उन्होंने मुझे बड़े बारीकी से समझाया कि जय जोहार एक बहुत बड़ा अभिवादन शब्द है, जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं उनके लिए जोहार शब्द है। तो मुझे यार सुनते ही मतलब ऐसा लगा कि जहन में बस गया वो शब्द उस टाइम पे कि जय जोहार मतलब प्रकृति को नमन, तो इसलिए मैं भी जय जोहार तब से यूज़ करने लग गया। ये था कुछ सिंपल सा, तो चलो बिना टाइम स्पेंड के करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। आज क्या दोपहर के टाइम से बरसात बरसात आ रही थी, तो देखो चारों तरफ एकदम गीला गीला हो गया, मौसम भयंकर था, बरसात काफ़ी तेज़ हुई। तो ये देखो हमारा जो चूल्हा था उसको ढकने के लिए हमने क्या यूज़ लिया है, ये है भाई एक पुराना पड़ा टैंकर था जिसका ढक्कन हमने यूज़ लिया चूल्हे को ढकने के लिए, देसी आर्मी देसी जुगाड़ ऐसे ही होते हैं भाई। तो आज हमारे कपड़े भी घर के अंदर ही सूख रहे क्योंकि बरसात है, तो वो अंदर ही सुखाए हैं। बरसात के दिनों में हमारे घर में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि यार पूरे घर में सीलन आ जाती है इस तरीके से, क्योंकि ऊपर जो छत है ये पत्थर की है, तो देखो मतलब चुचाने लग जाती है, बोले तो टपकने लग जाती है, और ये काफ़ी भयंकर समस्या है। पत्थर की इस तरीके की छत होती है हमारी जिसको बोलते हैं भाई पातौड़, तो हर जगह मतलब पानी टपक ही रहा है देखो इधर से उधर। हालांकि हमने अनाज के कट्टे इसमें डाल दिए, अब इसमें अनाज की टंकी में, तो अनाज ख़राब होने का डर नहीं रहा। तो भाई घर की ये बहुत बड़ी समस्या है कि बरसात के दिनों में टपकने लग जाते हैं। एक्चुअली कच्ची पातौड़ जिसको पातौड़ बोलते हैं हमारी साइड पत्थरों से बनी हुई होती है, इस तरीके से पत्थरों से ही ये पत्थर हमारी साइड का निकलता है। एक्चुअली करौली और धौलपुर के फेमस पत्थर है, तो हमारे यहाँ पे पुराने टाइम से लेके अब तक इसी तरह के पत्थरों की वही छत बनती है, तो ये चुचाने लग जाते हैं, बोले तो टपकने लग जाते हैं, हमारी शायद टपकने को बोलते चुचाने लग जाते हैं, तो ये भी एक वो चीज़ है, तो दिक्कत है। लेकिन देखते हैं कब तक नया घर रेडी होता है, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। तो अभी शाम को 4 बजे है और मदर इंडिया पानी भरने के लिए लगी हुई है। ऐसा यार हमारे घर में पानी से रिलेटेड एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, पानी से रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या है ये देखो, मतलब घर के पानी में इतना ज़्यादा फ्लोराइड है ना, देखो ये कूलर के ऊपर डालते थे हम लोग, तो ये महीने भर में कितना ज़्यादा फ्लोराइड जम गया, ये इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता ना बहुत भयंकर मतलब, तो इतना ज़्यादा फ्लोराइड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जो कि नॉर्मल पानी था पीने का एकदम छान के लिया था। इस पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी पिछली बार, मेरे पैर के एड़ी से जो ऊपर की नस है ना इसमें दर्द हुआ था बहुत भयंकर वाला, इस पैर के मतलब दोनों पैरों के, तब जाके मैंने पानी की इस समस्या की वजह से आपको पता है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, जैसे कि हाथ पैरों में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है, फ्लोराइड वाला पानी बर्तनों का कलर चेंज कर देता है, खासकर दौसा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, लेकिन अब तो हमारे यहाँ भी इतने ज़्यादा हो गए जैसे मैं दिखा चुका, तो ये प्रॉब्लम ये बड़ी है। आर ओ लगाना ही पड़ेगा भाई इसके लिए, क्योंकि आर ओ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तभी जाके सब ठीक रह सकते हैं, नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा एक दिन जाके। टाइम भले ही सुबह का हो या शाम का, सब्जी डिपार्टमेंट अक्सर मेरे ही अंदर में होता है,
लिए खुलना। मच्छी निकालेंगे। इसके अलावा घर में हर घर में एक समस्या और होती है कि घर के कुछ लोग कुछ सब्जियों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी को भिंडी नहीं पसंद, किसी को कड़ी नहीं पसंद, तो सबका सबका अलग अलग फंडा है। शाम के 6:30 बजे घर में डोरियों का जाल कुछ इस तरीके से बिछा हुआ, देखो मीटर से डायरेक्ट डोरी आती है और मीटर से डायरेक्ट डोरी उधर पहुँच जाती है। अब जहाँ से हमको बल्ब वगैरह की डोरी कुछ इस तरीके से लगानी पड़ती है। अब भी देखो ये बाबा आजम के ज़माने की तरह, लेकिन क्या करें भाई, जब सिस्टम जमेगा तभी जमेगा, उससे पहले तो काम चलाते हैं। तो इनसे क्या बहुत बार चिपकते रहते हैं, मैं तो भाई बहुत बार चिपका हूँ लाइट वाइट की हद से ज़्यादा, लेकिन फिर भी आदत पड़ चुकी है लाइट वाइट से चिपकने करने की। तो एक सेकेंड अरे चिपक जाएगी तो मत लगा, ले फ़ोन पकड़ दो इधर आगे, फ़ोन पकड़ मेरे इधर लग रहा उधर जाड़ में। हाँ तो लाइट आ चुकी है भाई, ऐसे करके बल्ब लगा रखा है हमने यहाँ पे, तो लाइट के इधर देखो जुगा है। तो यहाँ पे रोटी बनेगी और एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड ये देखो जुगाड़, ये है भाई राबड़ी। इसको बहुत सी जगह अलग अलग नाम बोलते हैं, वैसे तो ये छाछ की और बाजरे की, नहीं ये तो गेहूं के दलिया की ना, ये लपटा है, मतलब राबड़ी अलग चीज़ होती है, इसको लपटा बोलते हैं हमारी साइड। बहुत सी जगह है इसको वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, वो अलग अलग तरह के नाम है क्या, मया तो अलग अलग तरह के नाम है। और ऐसा होता है कि यार हर घर में डेली शाम के टाइम, इसके भी हर जगह बहुत सारे नाम है, जैसे कि बहुत जगह इसको महेरी बोलते हैं। इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि ज़्यादातर घरों में जिनमें दूध होता है तो वहाँ शाम के टाइम सब्ज़ी नहीं बनाती, क्योंकि बजट वाला आपको पता है मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे काम चलाती है, किसान फैमिलीज़ में जिनके घरों में दूध होता है वो शाम के टाइम सब्ज़ी नहीं बनाते, उनका काम यही चलता है भाई दूध और राबड़ी से खा के, ये कुछ अल्टीमेट जुगाड़ है। बाकी तो खैर शाम के टाइम का खाना अंदर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ तो गीला हो रखा है चारों तरफ, देखो ये चूल्हा है ना यहाँ पे, ये जुगाड़ अब अंदर ही बनेगा खाना वाना यहाँ पे इस चूल्हे पे। ये अंदर चूल्हा बना रखा भाई इमरजेंसी के लिए, ताकि बरसात में यहाँ पे खाना बना सके इसमें। और इधर की साइड भाई सब्जी का डिपार्टमेंट ऐसा है, रसोई गंदी नहीं हो रखी भाई, इसका कलर ही ऐसा है एक्चुअली। पिछली वीडियो में एक लड़की कह रही थी कि भाई तुमने रसोई गंदी कर रखी है, अब भाई बड़ी बात तो यह, पहली बात तो किसान फैमिली इसमें इतना ही टाइम मिल पाता है, और दूसरी बात ये दीवारों का कलर एक्चुअली ऐसा है कि ये चूल्हा जलता है ना चूल्हा, इसमें से धुआं निकलती है तो धुएं की वजह से देखो एकदम काली हो रखी है टीन ऊपर साइड से बिल्कुल ही, तो दीवारें भी उसी वजह से काली हुई, गंदी नहीं है भाई, कलर का मामला है। और आपको पता है कलर भी गांव में दीपावली पे होली पे सिर्फ किसी त्यौहार पे कराया जाता है, ऐसे हर टाइम पे नहीं होता। तो भाई रेडी है अपनी मिर्ची और भिंडी, छोंकते हैं इनको फटाक से। तो आज तो बड़ी लकड़ी लगा दी तुमने डायरेक्ट, मतलब बार बार जलाने की झंझट नहीं रहे मैंने, खूब जल जाए, सूखी था ना वैसे, सूखी है, चलो मुबारक हो जला। खाने के मामले में ऐसा है कि चाहे सुबह हो या शाम मैं क्या दही खाता ही खाता हूँ, तो अभी तो रोटी पे ही सब्जी ले ली, क्योंकि ये गांव का देसी अंदाज, ज़्यादा बर्तन ना बिगाड़ते हुए झटाक से ले लेते हैं भाई शाम के टाइम का दही। और शाम के टाइम का दही क्या थोड़ा स्पेशल होता है, इसका टेस्ट ही बहुत अजीब होता है, मतलब एकदम शानदार वाला। मॉर्निंग टाइम का जो दही होता है ना वो खट्टा खट्टा होता है, लेकिन ये दही एकदम वैसा होता है शानदार वाला, तो इसके खाने के मज़े ही कुछ और है मतलब। तो ये तो मैं खाता ही खाता हूँ डेली शाम के टाइम, ये फिक्स है अपना भाई रूल। इसके अलावा ये है भाई कड़ी, जिसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, एक्चुअली मिर्ची की कड़ी है और गांव में ये चीज़ बड़ी शानदार होती है भाई, मिर्ची कड़ी घर की छाछ से। वैसे मैं जयपुर रहता तो मार्केट की लानी पड़ती थी, लेकिन अभी घर की है तो बड़ी शानदार। तो आज के खाने में है भाई ये भिंडी की सब्ज़ी है, रोटी है, दही है और ये कढ़ी है। इसके बाद ही तब तक ये ठंडा हो रहा है भाई, एक्चुअली वज़न बढ़ाना है तो काफ़ी कुछ करना है, लगता है इसको ठंडा करके फिर दूध से खाते हैं भाई।
घर के सामने यहाँ बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे तो शाम के टाइम आरती का माहौल होता है, तो उस वजह से हम लोग क्या है कि इस टाइम घर के दरवाजों को खुला रखते हैं। देखो ये शाम के टाइम मतलब घर के दरवाजों को बंद नहीं करते क्योंकि आरती चलती है, तो आरती की वजह से जैसे आरती ख़त्म हो जाती है उसके 10-15 मिनट बाद हम घर के दरवाजों को शाम के टाइम बंद करते हैं। अब ये है मोस्टली रूल। और एक और बड़ी बात, हम लोग जैसे ये कमरा है, इधर ये कमरा है और इधर वो कमरा है, हम लोग इन कमरों को कमरा नहीं बोलते, एक्चुअली इनको हम घर बोलते हैं कि ये वाला घर, बीच वाला घर और साइड वाला घर, ये हमारे घर के कुछ फंडे हैं भाई टोटल से। तो आरती के बाद इन घरों को बंद करेंगे, इस टाइम तो सभी के दरवाजे एकदम खोल रखे हमने मंदिर की आरती वजह से होने वाली। थोड़ी शाम को 8 बज रहे हैं, तो भाई रोटी बन जाने के बाद ऐसा करते हैं कि हमारे पास क्या चूल्हा एक ही है फिलहाल, तो इस पर दूध गर्म कर देते हैं रोटी बनने के बाद। और ये होएगा समथिंग, कितने घंटे के लिए रखते हैं इसको, कई घंटा के लिए रखे दूध है, दो घंटा कम से कम है ना, दो घंटा रखते हैं। उसके बाद इस पर क्या थरवर आ जाती है एकदम अच्छे से, जिसको बोल सकते हैं मलाई ऊपर की साइड। तो मलाई आने के बाद इसको जामुन देते हैं, तब जाके भाई सोते हैं। एक और बड़ा रीज़न ये है कि हमारी रसोई में क्या अभी दरवाज़ा नहीं है यहाँ पे, तो दरवाज़ा नहीं है तो सारा सामान हमको यहाँ इस घर में रखना पड़ता है। देखो सारा जुगाड़ खाने पीने का सामान है नॉल्स। तो अभी रात को ये मानो 9:10 हो रहे हैं और 9:10 तक लेडीज़ वगैरह को खाना होता है, जब सारा घर फैमिली खाना खा लेते तब इनका खाना होता है। तो मतलब लेडीज़ वगैरह की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है भाई, हद से ज़्यादा। तो अभी रात को 9:30 हैं और अब तक दूध गर्म हुआ है। देखो मतलब दूध गर्म करने में बहुत भयंकर कंडीशन होती है यार दूध की भी। तो अभी ये गर्म हो चुका है और गर्म होने के बाद एकदम इस पर जम चुकी है मलाई सलाई। तो अभी तो कम से कम इसका 1 घंटे पर इंतज़ार करेंगे ठंडा होने का, जब ये ठंडा हो जाएगा कम से कम 90% तब इसमें जामुन देंगे। तो ये मान लो यार 9:30 अब दूध लाए हैं, अभी ठंडा हुआ कम से कम 11 बजे तक, तब इसमें जामुन डालेंगे दही जमाने के लिए और तब तक बच जाएंगे 12, तब तक लेडीज़ वगैरह सोएंगी। तो ये मान लो कि यार घर में लेडीज़ वगैरह शाम को अब 12 बजे सोती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल है। कई बार तो मेरी मदर इंडिया दुखी होकर ये तक कह देती है भगवान अगले जन्म में लड़की का जन्म मत देना, मतलब आदमी इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है ना चीज़ उससे कि यार गाँव में ऐसा होता है कि लड़कियों की कई बार जल्दी शादी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है भैंसों का, फिर घर का, फिर ये और वो, भले मान लो जहाँ जहाँ शिक्षा है वहाँ वहाँ हालांकि अब सुधार है, लेकिन फिर भी गांव में शिक्षा का लेवल इतना नहीं होता, होता भी है तो ये नशाखोरी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेट उठती है घरों को। तो आई होप मेरे घर में आपको शाम के टाइम का माहौल ज़रूर पसंद आ होगा। और बहुत सारे लोगों से मेरी गुजारिश है यार आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।